नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं रजत एक्सप्रेस न्यूज। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की बड़ी खबर और हमारे चैनल को मजबूत करने के लिए उनको दूर दूर तक शेयर करें ताकि आपसे जुड़ी खबरें हम आप तक पहुँचा सकें। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ नगर निगम द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाए जाने पर भद्रुक निवासियों ने लगाए गंभीर आरोप और गुहार। आपको बता दें कि पीड़ित रामेश्वर भगवान दीन माधवी सजीवन राम सहाय महादौर अशोक कुमार सुग्रीव रामचंद्र गुहार लगाते हुए बताया कि इन जमीनों को हमारे पूर्वजों ने ग्राम सभा शासनकाल में प्रधान से क्रय किया था, जिसकी खरीद रसीद भी हमारे पास मौजूद है। उक्त भूमि पर हम पिछले 50-60 साल से निवास कर रहे हैं। यह हमारे बिजली के कनेक्शन, घर का टैक्स, पानी का टैक्स, हर टैक्स को नियमित रूप से भुगतान भी करते आ रहे हैं। नगर निगम के द्वारा हमसे कहा गया कि हम अपना घर जमीन खाली कर दें क्योंकि यह अवैध है। बताया गया है कि मकान तालाब की भूमि पर बना हुआ है। दिनांक 31 मई दिन बुधवार को बिना बताए दोपहर को नगर निगम द्वारा अचानक अतिक्रमण हटाने का कार्य किए जाने से राम सजीवन का मकान बिना नोटिस बिना सूचना के ही तोड़ दिया गया। पीड़ित ने इसको लेकर नगर आयुक्त से भी न्याय की गुहार लगाई है और माधवी कुमारी पत्नी राम सजीवन के नाम ना कोई नोटिस ना कोई लिस्ट में नाम था, फिर भी अतिक्रमण के दौरान उनके भवन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इस अतिक्रमण के खिलाफ पीड़ितों ने न्याय की गुहार लगाई है। पर क्या हुआ था नगर निगम द्वारा जो आप लोगों की आवास को तोड़ दिया गया, इस पर क्या कहना चाहते हैं? क्या हमारा नाम राम सजीवन है, सनाब सत्यनारायण। मेरे पास ना कोई नोटिस थी और ना मेरा लिस्ट में नाम था। और ये हमसे कहने लगे कि ये टीन शेड के सामान हटा लीजिए। कौन कहने? जिनका जो तोड़ने वाला जो लेखपाल हो ये जो पंचायत है, नगर निगम। हाँ, नगर निगम के। उन्होंने कहा हटा लीजिए। तब ने कहा चलो हटा देते हैं इसको और अपना ये खाना पूर्ति करके चले जाएंगे। उसको जब हम हटा दिए, उसको गिरा दिया, उसके बाद इन्होंने कहने लगे कि हटाइए, हमको कमरा भी गिराने हैं। तब हमने कहा कि अभी तो आप बोल रहे थे कि हमको सिर्फ टीन शेड गिराना है, आप बोल रहे हैं कमरे गिराने हैं। उसके बाद तो एक आ गए संजीव मिश्रा। संजीव मिश्रा ने कहा कि ज़बरदस्ती कहा गिरा दे रहे हो, तो उसने मशीन वाले को रोका। उन्होंने कहा रुकिए, अगर आप तोड़ देंगे तो बवाल हो जाएगा। उसके बाद लिस्ट ढूंढने लगे, लिस्ट में नाम ढूंढने लगे, हमारे नाम की नोटिस ढूंढने लगे। उनके पास नोटिस नहीं थी, तकरीबन आधा पौना घंटा मतलब ढूंढते रहे, नोटिस नहीं मिली। बिना नोटिस के आए थे? हाँ, बिना नोटिस के। पहले कोई नोटिस दी गई थी ना? हमारे पास आज तक कोई नोटिस नहीं है। क्या चाहते हैं इस मामले पर, क्या होना चाहिए? हम ये चाहते हैं कि जो लीगल कार्रवाई हो करें और अपने तालाब की पैमाइश करें और जो भी लोग इसके इस तालाब के किनारे बसे हुए हैं अपना रकबा निकाल करके उनके मकान छोड़ें। अगर मकान तोड़ रहे हैं तो फिर दूसरी जगह कहीं हम लोग को शिफ्ट करें। ठीक है, बस हमारा यही कहना है और कुछ नहीं। ठीक है, बाकी हमको किसी से गीला शिकवा नहीं है। अब बाकी योगी जी तो कहते हैं हम बसा रहे हैं, लेकिन हमको लगता है उजाड़ रहे हैं। योगी जी बसाने की बात करते हैं, प्रशासन उजाड़ रहा है। प्रशासन उजाड़ रहा है। प्रशासन का तो आरोप है ना कि जमीन उनके तालाब पर आप लोगों ने जबरन, हाँ तालाब पर बना, लेकिन उनको अपना रकबा नापना चाहिए। तो बिना नपाई बिना पैमाइश के क्या आए थे अतिक्रमण करने? आज तक पैमाइश नहीं हुई, हम यहाँ रह रहे हैं तकरीबन 35 साल से। इसके पहले कोई ना पैमाइश हुई है आज तक, ना हमने किसी को इस पे जरीब रखते हुए देखा। मतलब आप लोगों का कहना है कि पैमाइश हो नपाई हो, जो पैमाइश करें अपना रकबा पूरा करें और अगर बच रहे हैं उसमें तब हम लोगों के ठीक है, हम लोगों के रहने के लिए छूट दे ठीक है, और नहीं तो कहीं पर अपना इंतजाम करा दें। ठीक है, क्या हुआ था? ये हुआ था कि बिल्डोजर अचानक आया, हमारे लोगों के घर तोड़ने लगे, हम लोग उठ के भागने लगे। पूछन के भैया आप ये किस बात के तोड़ रहे हैं, कह रहे हैं तालाब में है। तो मैंने कहा कि आप तालाब नाप लीजिए, तो उन्होंने कहा कि हमारा तालाब नपा हुआ है, लेकिन हमको आए 15 साल हो गए कभी नहीं तालाब नापा गया। हाँ, नोटिस दी गई थी गिराने से पहले? नोटिस जब जब दिया, तारीख दिया, दिन दिया, हम लोग इंतजार किया, कभी तालाब नापे नहीं आए। उसके बाद अचानक बिल्डोजर आया, चलाने लगे, हमारे लोगों के घर के कागज हैं, पक्के हैं। टूट गया आप लोगों का? हमारा टूटा नहीं, हमने खूब रोए थे सब कुछ किया। हमारे तीन लड़की हैं, कोई कमाने वाला नहीं है। हम लोग अंडा का ठेला लगाते हैं, अपना परिवार चलाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और मेरे पास कोई काम नहीं है। इसमें क्या चाहते हो, क्या हमने ये लोग चाहते हैं कि आप आए अपनी तलैया नापे, जो हमारा है हमको दीजिए, जो उनका है। हाँ, उनका जितना है वो ले जाए, अगर उनको सब आ रहा तो अपना सब ले लें, लेकिन जितना मेरे कागज पर लिखा है हमको दीजिए। हमारे तीन लड़की हैं, हमारे हम अंडा ठेला लगाते हैं, हम खुद
12 बजे ले अंडा बेचते हैं, अपने बच्चन को पढ़ाते हैं। आ योगी मोदी सरकार कहने कि बिटिया का बहन का हमने घर देवे द्वार देवे, हमारा क्यों छीन रहे थे। ये भी कहा गया क्या कि गिरेगा तो पूरा गिरेगा? हमने पूछा था कि भैया आप नपाई नहीं किया, तो वो लोग हमको डांटने लगे, लेकिन हमने रोने लगे, हमारे 3 बिटिया भी रोने लगी। तो उसमें कुछ लोग मया खाएं, कुछ लोग नहीं खाएं, कुछ लोग बुलडोजर मेरे घर पर ले आए। हम लोग बहुत चिरौरी किया, उसके बाद लौट गए। उसके बाद कहने लगे कि मैडम अपना कमरा खाली करिए, हम 3 दिन के बाद आएंगे, इसको तोड़ेंगे। हाँ, उसमें लिख लेंगे, लेकिन हमारा है नहीं तालाब, तालाब अपना नापिए अपना ले जाइए। और हमारे घर के कागज हैं, लेकिन हमारे पितिया ससुर के पास है, पुरखा वही थे, हम लोग थे, आए थे बहू। हमने कागज कितनी बार मांगा, उन्हें हमको कागज नहीं दिया। उसके बाद हमने फिर चिरौरी किया, सब कुछ किया, उनके हमारे जो पितिया ससुर थे वो हमको कागज दे रहे थे। हम पहलाद मेरे पितिया ससुर थे, उनके पास मेरे घर के कागज थे, मेरे ससुर बहुने थे, वो छोटे थे, उनको कोई कुछ नहीं आता, ठीक है। उसके बाद हमने कागज मांगा था, वो लोग कागज नहीं दिया। हम लोग सब जने छोटे छोटे थे, खाली 2 भाई समंदार थे, वो भी पढ़े नहीं थे। उसके बाद हमारे 3 बिटिया थे, सारे कागज हैं, सारे कागज हैं। और संजू रावत ने हमको कागज नहीं दे रहे हैं कि सबूत माँ कोई मिटा दिया मेरा सब, उनके पास कागज धरे हैं कि मतलब ये लोग जहाँ यहाँ से गिरे, हमने कागज बहुत मांगा, वो लोग कागज हमको नहीं दे रहे हैं। प्रशासन कोई मदद नहीं कर, हमारा यहाँ कोई मदद नहीं कर रहे हैं। योगी मोदी हमसे वो दरवाज़ है कि हमारा लोगन जितना बना इतना रोक दीजिए। दशरथ देवी, हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप? कहना क्या चाहेंगे कि आते हैं और नोटिस दे के चले जाते, कहते खाली करो खाली करो। नोटिस दिया है? हाँ दिए। तो खाली काहे नहीं कर रहे थे आप? अब खाली कहाँ से कर ले, 40 साल 50 साल पहले से रह रही, बना रही। चौका जमीन आप लोगों को कैसे मिली? हमारे पुरखा ने खरीदे थे, लेकिन अब आपसी में कागज नहीं कोई दे रहा है जिसके पास है। अभी क्या चाहती हो नगर निगम से? अब चाहित कहा है नगर निगम से कम जितना हमारा खरीदा है उतना ही छोड़ दे, बना बनाया भर रहम कर जाएं, और जो पानी भरा है अपना फालतू है वही ले ले, और क्या करें, जितना बना है उतना तो छोड़ दे। आपका भी कुछ टूटा है? नहीं, अभी तो आज आते तो तोड़ देती, संजय मिश्रा नहीं आते तो रुकवा दिया गया, उसने रुकवाया। मैडम क्या नाम है आपका और क्या हुआ था? माधवी कुमारी। हमारा जो घर है वो इन्होंने बिना नोटिस के और कोई भी बिना पैमाइश कराए इन्होंने अचानक आके तोड़ दिया है। अच्छा हुआ हम लोग छुट्टी चल रही थी, घर में थे, अगर घर में हम लोग ना होते तो ये लोग मेरा पूरा घर सामान सहित ध्वस्त कर देते, और ध्वस्त किया भी है इन्होंने। हमारा नुकसान हुआ है, कुछ सामान का पंखा तोड़ दिया, टीने तोड़ दी, और जो फिटिंग वगैरह थी वो तोड़ दी, और भी सामान थे हमारे, बर्तन रखे हुए थे वो भी तोड़ दिया, सिलेंडर रखा हुआ था वो सब तोड़ अच्छा दिया हमारा। कह रहा कि आप लोगों ने तालाब पर जमीन कब्जा करके अपना भवन बनाया था, तो कब्जा जो किया गया है वो हमारे पास उसकी रसीद है, और जितनी रसीद है उतना ही हमने बनाया है, और जो बढ़ा है हम आगे तो वो अपने कमरों के दीवारों कमरों को बचाने के लिए उतना हम लोगों ने उसको पाटा है कि कमरे में पानी ना भरे। पानी क्यों भर जाता था? पानी जब ये नालों की सफाई नहीं होती, नगर निगम के जो कर्मचारी हैं कामचोर हैं, जब काम नहीं करेंगे तो घरों में पानी भरेगा ही लोगों के, है ना? पानी भर जाता है बारिश के कारण? पानी भर जाता है बारिश के कारण भी भरता है, जो नालियों में सफाई नहीं होती है, नाले जाम होते हैं, घरों के अंदर पानी आता है। बिल्कुल घरों के अंदर पानी आता है, हम लोग को बहुत दिक्कतें होती है। तो अतिक्रमण पे क्या कहना चाहती है, किस तरह की मदद चाहती है? अतिक्रमण पे ये कहना चाहते है कि वो जितना उनका है वो अपना आके यहाँ नापे। और नहीं हुई कोई आज तक, हमें 35 साल 30 साल हो रहे हैं, यही हुआ है कि ये टूटेगा टूटेगा, लेकिन कभी ये नहीं अवगत कराया गया कि कितना है। नोटिस आई थी तोड़ने? नहीं, नोटिस आई थी लेकिन हमारे पास कोई नोटिस नहीं है, कोई भी हमारा मतलब ना भी आपका तोड़ दिया, फिर भी आप हमारा तोड़ दिया। सर क्या नाम है आपका, और आखिर नगर निगम द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं कि आप लोगों ने तालाब पर कब्जा करके निर्माण बनाया है, क्या कहना चाहते हैं, क्या मांगे हैं, और कार्रवाई के बारे में क्या कहेंगे? क्या नाम? कार्रवाई के बारे में कि जितने हमारी लिखी उतनी हमारी छोड़ दीजिए, या आपकी जितनी है उतनी आप ले लीजिए। नाम अपना बताइए। राम साहब। हाँ, तो कब से ये जमीन खरीदी थी आपने? ये 1977 में ये खरीदी और 1955 में ये खरीदी पीछे। तो नगर निगम कोई नोटिस दिया था आपको? नहीं, हमको नहीं दिया, अब दिया। अब दिया? हाँ। तोड़ने के बाद दिया? नहीं, तोड़ने के बाद नहीं, और कहा उस दिन ये अभी 1 महीना हुआ है। हाँ। कहा 14 दिन के अंदर इसको खाली कर देना। हाँ। लेखपाल आया था। हाँ। उन्होंने कहा कि इसको खाली कर दीजिए। हाँ। तो हमने कहा साहब देखिए कोशिश करेंगे खाली कर देंगे। हाँ। उतने में फिर 20-25 दिन के बाद ये वाद विवाद चल गया। हाँ, ये चल गया कि लेखपाल और सब नगर निगम आ गए अपने तोड़ने। आपकी भी टूटी है?
और टूटी क्यों नहीं साहब, पीछे पीछे क्या टूटा पड़ा। क्या कहना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जितनी आप है आप ले लीजिए, और नहीं छोड़ना चाहते भी मेरी भी ले लीजिए। हम लड़ रहे झगड़ा करने वाले हैं नहीं साहब, और ना दौड़ने धूपने वाले। कुछ कहना चाहेंगे नगर निगम के आला अधिकारियों से या सीएम से? क्या कहना चाहेंगे? अरे हम कहेंगे भाई, अब सरकार की जमीन है, हम उनसे लड़ सकते नहीं। वो जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे।